नमस्कार साथियों, तो चलिए हम इस लेक्चर में बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। इंटरनेट का नियमन 1885 के कानून से क्यों? ऑनलाइन जासूसी से जनता के जीवन और निजता की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून तंत्र बनाए सरकार। इसके संपादक हैं इस आर्टिकल के विराग गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। ठीक है, व्हाट्सएप के बाद अब गूगल के माध्यम से भी जासूसी के खुलासे ने भारत में असुरक्षा की स्थिति बन रही है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री कृष्णा ने कहा कि इंटरनेट कंपनियों ने जॉर्ज ऑरवेल के बड़े भाई की तरह देश में निगरानी तंत्र बना लिया है। जस्टिस श्री कृष्णा की टिप्पणी का बहुत महत्व इसलिए है क्योंकि उनकी रिपोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के 9 जजों के फैसले के बावजूद केंद्र सरकार ने डाटा सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून नहीं बनाया। 10 साल पहले भारत में व्हाट्सएप का किसी ने नाम भी नहीं सुना था और अब गांव से लेकर शहर तक यह हर जगह व्याप्त है। व्हाट्सएप ना तो सरकार को कोई फीस देता है, ना ही जनता से कोई पैसा लेता है। इसके बावजूद टेलीकॉम कंपनियों का नेटवर्क जहां नहीं पहुंचता, वहां व्हाट्सएप के माध्यम से लोग संपर्क कर लेते हैं। व्हाट्सएप को 5 साल पहले फेसबुक ने $19 अरब में खरीदा था। निःशुल्क सेवा देने वाले व्हाट्सएप ने भारत में आम चुनावों के पहले 5 महीनों में सिर्फ विज्ञापनों की ही लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा रकम खर्ची थी। लेकिन व्हाट्सएप ने भारत में जो कंपनियां बनाई उसका इस साल का मुनाफा सिर्फ 57 लाख रुपए है। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के स्वामित्व की को हासिल करके फेसबुक ने भारत की आधी आबादी और सभी सरकारों के डाटा पर कब्जा कर लिया है। भारत के डाटा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीलाम करके फेसबुक ने भारतीयों को ताक झांक और जासूसी की जलालत झेलने को मजबूर कर दिया। इंटरनेट देशों के भूगोल से भले ही परे हो, लेकिन अधिकांश इंटरनेट कंपनियों का नियंत्रण अमेरिका के पास है। इंटरनेट कंपनियों के माध्यम से विश्व व्यापार के साथ सूचना तंत्र पर नियंत्रण अमेरिकी नव साम्राज्यवाद का सबसे बड़ा एजेंडा है, जिसका सामरिक आयाम जासूसी है। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के पूर्व अधिकारी एडवर्ड स्नोडेन ने इंटरनेट कंपनियों और अमेरिकी खुफिया संगठनों की सांठगांठ से चल रहे ऑपरेशन फिजिम का 6 साल पहले खुलासा किया था। इन ताकतवर कंपनियों का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, पर स्नोडेन निर्वासित होकर अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। फिजिम के तहत भारत ने निजी और सरकारी क्षेत्रों की 6 अरब से ज़्यादा सूचनाओं को इंटरनेट कंपनियों ने अमेरिका में साझा किया था। इसके बावजूद पूर्ववर्ती यूपीए सरकार और बाद में एनडीए सरकार ने इन कंपनियों के खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं की। भारत समेत विश्व के अनेक देशों में व्हाट्सएप के माध्यम से जासूसी के लिए इजराइल की पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ। शुरू में इक्का दुक्का नामों का खुलासा होने के बाद भारत में जासूसी से पीड़ित लोगों की संख्या 121 से ज़्यादा हो गई। संसद में बहस के दौरान सरकार ने गोलमोल जवाब देते हुए इस मामले से पल्ला झाड़ लिया। कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पीड़ित लोगों को पुलिस में शिकायत दर्ज करने की सलाह दी। आईटी कानून के अनुसार ऐसे मामलों में दोषी लोगों को 3 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। पीड़ितों द्वारा जासूसी के खिलाफ पुलिस में यदि शिकायत दर्ज भी कराई जाए तो विदेशी कंपनियों को भारत में जांच के लिए बुलाया जा सकता है और दोषी लोगों को दंड देने के लिए सबूत कहां से आएंगे? केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों पर बेहतर नियंत्रण के लिए नए कानून का मसौदा पिछले साल जारी किया था। फेक न्यूज और लिंचिंग की घटनाओं में बढ़ोतरी के बाद आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने व्हाट्सएप समेत सभी कंपनियों को भारत में कार्यालय खोलने
और शिकायत अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश भी दिया था। व्हाट्सएप ने ना तो भारत में अपना प्रभावी ऑफिस बनाया ना ही शिकायत अधिकारी नियुक्त किया। केंद्र सरकार ने गूगल और कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, तो तब अब व्हाट्सएप को सिर्फ माफीनामे में क्या बरी किया जा रहा है। भारत में टेलीग्राम की व्यवस्था बहुत पहले खत्म हो गई, लेकिन इंटरनेट कंपनियों का नियमन और संचालन अभी भी सन 1885 के टेलीग्राफ कानून से हो रहा है। जब संविधान बना उस समय इंटरनेट और कंप्यूटर नहीं थे, इसलिए इस बारे में राज्यों के पास कोई भी अधिकार नहीं होता होना संघीय ढांचे के लिए भी चिंताजनक है। राज्यों में स्थानीय प्रशासन धारा 144 के तहत इंटरनेट भले ही बंद कर दे, परंतु इंटरनेट कंपनियों और ऐप्स पर नियमन और कार्रवाई के लिए सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही अधिकार हैं। मोबाइल फोन के पहले परंपरागत टेलीफोन व्यवस्था में जासूसी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1996 में PUCL मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया था। ईमेल, मोबाइल, इंटरनेट की नई दुनिया में जासूसी रोकने कि पुराने कानून और न्यायिक व्यवस्था अब अर्थहीन हो गए हैं। भारत में परंपरागत अपराधों से निपटने के लिए पुलिस के पास बल और संसाधन नहीं है। अदालतों में 3 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे की भरमार है। विधि का सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि जो करे सो भरे। विदेशी इंटरनेट कंपनियां भारत में, खासकर अमेरिका, आयरलैंड में दूध दे रही हैं। डिजिटल इंडिया के प्रसार के साथ अब इंटरनेट कंपनियों पर लगाम के लिए बड़े जुर्माने और कठोर सजा की व्यवस्था बने तो ऐसे मामलों पर रोक लग सकेगी। संविधान की 70वीं जयंती पर आम जनता को संवैधानिक कर्तव्यों का बोध कराने के लिए सरकार बड़े अभियान चला रही है। इंटरनेट कंपनियों की जासूसी से जनता के जीवन और निजता की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून तंत्र बनाने की जिम्मेदारी भी हो सरकार और संसद की है। जासूसी कांड से जल्द सबक लेकर इंटरनेट कंपनियों की व्यवस्था को भारत में जवाबदेह बनाना ही होगा। चलिए, तो ये था हमारा इंटरनेट डाटा चोरी से संबंधित आर्टिकल।